नई दिल्ली में मिशन ओलंपिक विंग में तैनात एक कर्नल के खिलाफ लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी के साथ संबंध रखने के आरोप लगे हैं। इन आरोपों के बाद भारतीय सेना ने जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग MCTE महू में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल की शिकायत के बाद मुख्यालय सेंट्रल कमान लखनऊ द्वारा जांच का आदेश दिया गया है। ब्रिगेडियर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन मुख्यालय MCTE को की गई शिकायत के आधार पर कार्यवाहक प्रमुख सेनाध्यक्ष ISNC लेफ्टिनेंट जनरल माइकल फर्नांडीज ने अधिकारियों के एक बोर्ड को कर्नल से संबंधित डिजिटल सामान मोबाइल फोन लैपटॉप आदि को जब्त करने और सील करने का आदेश दिया। कर्नल को एक अधिकारी और दो जवानों की निगरानी में नजवी की गिरफ्तारी के तहत रखा गया है। साथ ही सैनिकों की पत्नियों के साथ संबंध रखने के आरोपी अधिकारियों पर सेना कड़ी कार्रवाई कर रही है। सेना की भाषा में इसे भाई अधिकारी की पत्नी का प्यार चुराना कहा जाता है। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां ऐसे व्यक्तियों पर जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया गया और सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जिस अधिकारी पर आरोप लगाए गए हैं उन्होंने दलील दी कि उन्हें अपना डिजिटल सामान सौंपने की धमकी दी गई थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि शुरू में उनकी और उनके परिवार के डिजिटल सामान को जब्त करने के लिए झूठे कारण बताए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें बताया गया कि इन्हें जब्त किया जा रहा है क्योंकि उनके मोबाइल फोन से कुछ गोपनीय जानकारी लीक हो गई थी और मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। सेना के अधिकारियों को दिए गए एक आवेदन में कर्नल ने ये भी तर्क दिया कि जब उन्हें हाइपरटेंशन का पता चलने के बाद दिल्ली छावनी के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वह मनोरोग वार्ड में थे तब भी उन्हें धमकी दी गई थी। कर्नल ने ये भी आरोप लगाया है कि उनकी सरकारी आवास को बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स ने सील कर दिया है। हालांकि इस संबंध में सेना के निर्देशों से यह स्पष्ट है कि जब अधिकारी अपना मोबाइल फोन और लैपटॉप साझा नहीं कर रहा है तो अधिकारियों के एक बोर्ड को उसके घर का दौरा करना चाहिए और उसे जब्त करना चाहिए और अगर घर बंद पाया जाता है तो उसे सील कर दिया जाना चाहिए। इस संबंध में सेना के आदेशों में ये भी कहा गया है कि यदि अधिकारी शांतिपूर्वक अपना डिजिटल सामान को सौंपने से इनकार करता है तो उसे वैधादेश की अवज्ञा करने के लिए करीबी गिरफ्तारी के तहत रखा जाएगा और उसकी डिजिटल संपत्ति को सैन्य पुलिस कोर्ट CMP के एक प्रतिनिधि की उपस्थिति में अधिकारियों के बोर्ड द्वारा जब्त और सील किया जाएगा।